मुंबई के अंधेरी में रहने वाले लोग बीएमसी और स्थानीय नगर सेवक से काफी परेशान हैं। कारण है बिल्डर और बीएमसी की मनमानी। हम बात कर रहे हैं अंधेरी के डोंगर के तीन नल इलाके की, जहां पर लोगों का गुस्सा स्थानीय नगर सेवक और बिल्डर पर उतरा। लोगों ने बिल्डर रईस लश्करिया और नगर सेवक मोहसिन हैदर के खिलाफ जोरदार मोर्चा निकाला और पुलिस स्टेशन का घेराव किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्हें जो आने जाने के लिए रास्ता मिला था, बिल्डर ने उसे तोड़ दिया और वहां बड़ा खड्डा बना दिए, जिसे यहां के लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी होने लगी। लेकिन इस पर ना तो बिल्डर रईस लश्करिया ध्यान दे रहे हैं और ना ही वहां के नगर सेवक मोहसिन हैदर। बात करें इन खड्डों की और नालों की, जो पिछले 2 से 3 साल से है, लेकिन इसे अभी तक ढका नहीं गया है। यहाँ तक कि इस नाले में गिरकर कई बच्चे और महिलाओं को गंभीर चोट भी आई है। रहने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा तकलीफ है। इधर से और मैं गिर गई, मेरे दोनों पैर में मार लगे लाए। रोजाना बच्चे लोग को लेके जाओ, लाओ ले जाओ, तो बहुत हम लोग को तकलीफ होती है। भाजी तरकारी लाने को हम लोग नहीं जा सकते, आ नहीं सकते इधर से। और ना तो लाइट लगाई ला इधर, और रास्ता भी खराब करके रखे ला पूरा। ये बिल्डिंग मानी जब से तोड़ के रखे ला रास्ता। ये हमारा रास्ता जूना था, ये रास्ते को अंगार लगा के रखा, ये रास्ता तोड़ के रखे ला पूरा। एकदम बंद है ये बिल्डिंग, लगा बनी ना, जब से तकलीफ है हमारे को, सब तकलीफ है। बुढ़े इंसान को ज्यादा तकलीफ है, पैर धोने सब सूजे सूजे ने चल नहीं सकते। इंसान गया तो मुंह फूट जाएगा। मेरी बहू को तो 5 महीना मायके भेजना पड़ा डिलीवरी के लिए। ऐसा रास्ता गिर गई, उसको लेटमेंट बेटमेंट हो गया उसका। ऐसा रास्ता ये हाँ, पेड़ से औरत मेरे बहू 3 महीने की थी, 3 महीना पेड़ से गिर गई। इधर ये रोड ऐसा है, जरा भी नहीं अच्छा है रोड। कुछ कौन सा ना अल्लाह को मालूम। एक आता एक जाता, एक आता एक जाता, कौन आता इधर? खाली आओ भाई करते है, और बाद में कोई पूछता ही नहीं कि आओ चाय पानी पी, कुछ खा लेने, वड़ा पाव खिला दिए, 200-200 रुपया हाथ में दे दिए, जीत के बैठ गए। और हम लोग किधर जाना फिर? जाओ हाँ भेजेंगे ना, हाँ भेजेंगे ना। अरे कभी भेजते है वक्त? तुम लोग भेजते तो है नहीं। गटर भाई के जा रहा, संडास भाई के जा रही, कोई आता नहीं। हाँ और बोलने को सब है, बनाएंगे हम लोग, बनाएंगे। कब बनाए? गिरे पड़ेंगे जब बनाते, एक ही मैयत निकले जब बनाएंगे क्या? ये क्या है, छोटे छोटे बच्चे गिर के जाएंगे कि नहीं? हाँ वोटिंग के टाइम बराबर बोलते हैं, हम लोग करेंगे जब वोटिंग जीत की मत पूछते, कोई आता घरों घर पर, तुम लोग क्या तकलीफ है? बुढ़े इंसान तो पहले गिर के जाते। अब देखना होगा कि बीएमसी इन कामों पर कब ध्यान देती है। एक आदमी चलने का रास्ता नहीं है, क्या करेंगे? रास्ता नहीं है, रास्ता चलने का क्या करेंगे? आप किसे बोलेंगे? फिर आदमी समझता नहीं तो दिमाग फिरता है, फिर आदमी कुछ भी करता तो फिर क्या होता है? गुनहगार बनता। बोले ये गुनहगार है, बोले रास्ते के अलावा कोई और प्रॉब्लम है? बस रास्ते का सीधा चले आदमी, मुसाफिर मेरा सब सीधा रहे, सब ऐसा गटर भी और रास्ता भी बने, आदमी को कोई बोलना ना पड़े। क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि लोगों को यहाँ पे चलने फिरने के लिए तकलीफ हो जा रही है? अभी एक आदमी यहाँ पर ऊपर टेकरी पे जल गया था, उसका बॉडी लेके जाने के लिए हम लोग हॉस्पिटल में 1.5 घंटा लगा यहाँ से लेके जाने के लिए, क्योंकि वो गिर रहा पड़ रहा अलग था, उसके बाद में उसका ऑफ हो गया तो लेके आने के लिए प्रॉब्लम हो गया। इधर जगह का इतना प्रॉब्लम है कि ये लोग बनाने का नहीं बोलता, वो बोलता वो पार्टी बनाएगा, ये पार्टी बताएगा। ये मेन गेट था, ये बकरी ईद के टाइम पे बोले बकरा काटने के लिए गेट बंद किया करके, यहाँ से आराम से पब्लिक आ रहा जा रहा था, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। शॉर्ट रास्ता बंद करके ये लोग ने ये चालू किया था, अभी ये लोग ने बंद किया। वो पार्टी बोलती है बोले हम लोग ने नहीं बंद किया, ये पार्टी बोलती है हम लोग ने नहीं बंद किए। ये बंद किया कौन? फिर पब्लिक सब मिलकर तोड़ेगा तो केस हो जाएगा। इसके लिए ये प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को ये खुलवाने का है। इसमें आने जाने के लिए लाइट का, रोशनी का, पब्लिक को, बुढ़े लोग को, जवान, हैंडीकैप है, हम लोग भी हैंडीकैप ही, आने जाने में हम लोग को प्रॉब्लम होता है। ये सब करेंगे हम लोग को कोई कुछ दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो रास्ता ऐसा है वहाँ पर, औरतें लोग का पैर का नाखून निकल जा रहा है, ठोकर लग के गिर रहा है, कमर का हड्डी टूट रहा है, वो खाली गाली देके चले जाते हैं। लोग क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। वो बोलता हमारा नहीं है, वो बोलता हमारा नहीं है। ये काम हमारा हो जाना चाहिए, बस हमको और कुछ नहीं है।